संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने चार खास समझौतों पर साइन किए हैं। ये समझौते भारत और यूएई के द्विपक्षीय संबंधों को नई उड़ान देंगे। इन समझौतों में कच्चे तेल के स्टोरेज, लंबे समय तक एलएनजी सप्लाई, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्रों में दोनों देशों की पार्टनरशिप शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयन के साथ लंबी चर्चा की। ये चर्चा दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रही। भारत के साथ यूएई ने 2022 में सीईपीए यानी कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया था, जिसका मकसद दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर करना था। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी और क्राउन प्रिंस अल नाहयन ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सफल बनाने के उद्देश्य से भारत और यूएई के बीच बहुमुखी संबंधों पर चर्चा की है। चलिए आपको बताते हैं कि मुख्य समझौते क्या हैं। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी यानी AGNOC और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच डील, ADNOC और इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच डील, बराका न्यूक्लियर प्लांट के संबंध में एमिरेट्स न्यूक्लियर के साथ समझौता, गुजरात सरकार और अबू धाबी स्थित PGSE कंपनी के बीच फूड पार्क के विकास के लिए समझौता, LNG आपूर्ति और न्यूक्लियर एनर्जी में पार्टनरशिप। चार समझौतों में से एक अहम समझौता अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच हुआ। इसके तहत LNG की लंबे समय तक होने वाली आपूर्ति को हर साल 1 मिलियन मेट्रिक टन तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ADNOC और इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के बीच क्रूड ऑयल स्टोरेज को लेकर हुआ है। इसके तहत भारत में क्रूड ऑयल स्टोरेज को बढ़ाया जाएगा और पहले से मौजूद स्टोरेज फैसिलिटी के नवीनीकरण करेगा। तीसरा समझौता गुजरात में एक फूड पार्क बनाने को लेकर हुआ। अबू धाबी डेवलपमेंटल हेडलिंग कंपनी और गुजरात में एक फूड पार्क बनाएंगे। यूएई सरकार ने जनवरी 2024 में वाइब्रेंट गुजरात के दौरान फूड पार्क का प्रस्ताव रखा था और क्राउन प्रिंस ने इस यात्रा पर इस पर समझौता किया। ये पार्क अहमदाबाद में गुंडरप्पा इलाके में बनाया जा सकता है और इसकी शुरुआत 2025 में हो सकती है। बरका न्यूक्लियर प्लांट समझौता अमीरात न्यूक्लियर कॉरपोरेशन और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के बीच बरक्का न्यूक्लियर प्लांट के रखरखाव और उसके ऑपरेशन देखने के लिए हुआ है। इसके तहत भारत बरक्का प्लांट के कुछ हिस्सों के रखरखाव और संचालन करेगा। ये समझौता न्यूक्लियर पार्टनरशिप के लिए अहम कदम है। प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस अल नाहयन ने भारत यूएई के बीच हुए समझौतों पर संतोष व्यक्त किया है और द्विपक्षीय सहयोग को सभी क्षेत्रों में बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें TV9 डिजिटल के साथ।